दोस्तों, बाथरूम के दीवार पे कौन सा टाइल्स लगवाएं, विट्रीफाइड या सिरामिक? बहुत कंफ्यूजन होता है सभी दोस्तों को जब घर बनता है, और घर बनने के बाद जब टाइल्स लगने के वक्त आता है या टाइम आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों को स्वागत करता हूँ। आपको अच्छी जानकारी दूंगा और वीडियो पूरा आप लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम अच्छे से बताते हैं। तो दोस्तों, ये सामने की हमारी दीवार है, इस दीवार पे 2x4 की डार्क टाइल लगाई गई है, और उसके साइड में सामने वाली वॉल पे ये देख सकते हैं ये लाइट कलर की टाइल्स लगाई गई है। तो ये टाइल जो हमने लगाया हुआ है 2x4 की कजारिया विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल्स को फिटिंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं। दो कलर हमने इसलिए लगाया हुआ है कि हमारा जहाँ पास ज़्यादा गंदगी का एरिया है, हम उस जगह टाइल्स को फिटिंग किए हुए हैं ताकि गंदगी हो तो हमको वो दिखे ना, और जब साफ़ सफाई करें तो अच्छे से साफ़ सफाई भी हमारी ग्लॉसी टाइल्स पे हो जाए। इसलिए कभी भी हमें टाइल्स लगाना चाहिए तो विट्रीफाइड टाइल्स ग्लॉसी वॉल पे लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि पानी हमारा ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब पानी टाइल्स खींचता नहीं है पानी को, इसलिए हमारा दीवार कभी गीला नहीं होता और पेंट भी नहीं ख़राब होता है, और कभी भी टाइल्स क्रैक नहीं होगी, और जो भी गंदगी हमारे विट्रीफाइड पे लगेगी आसानी से छूट भी जाएगा। ये विट्रीफाइड की खासियत है। और सिरामिक टाइल्स में आपको प्रॉब्लम कुछ दिन बाद ऐसी आएगी कि आप उसको देख के बहुत ही परेशान हो जाएंगे, सफाई नहीं कर पाएंगे, सीलन से परेशान हो जाएंगे, दाग धब्बे उसमें चिपक जाएंगे, वो नहीं छूटेगा। तो वो सिरामिक टाइल्स की ये प्रॉब्लम है। अब ये फ्लोर लगा हुआ है, इस फ्लोर भी 2x4 के ही टाइल्स को लगाया गया है, वो भी विट्रीफाइड टाइल्स। एक बात और बताना चाहेंगे कि बाथरूम की वॉल पे टाइल्स अगर आप लगवाएं तो बड़ी साइज़ की फिटिंग करवाएंगे तो आपका जॉइंट कम आएगा और लुक बहुत ही शानदार रहेगा। हाँ, फिटिंग करने वाले इसके जो मिस्त्री होते हैं बड़े स्पेशल मिस्त्री होने चाहिए। अगर आपका कमर्शियल मिस्त्री हैं तो आपकी सारी टाइल्स को बर्बाद कर देंगे। और फिटिंग जो इसका करने का तरीका है, एडिसिव से ही फिटिंग करने का तरीका है, सीमेंट बालू से कतई न करें, नहीं तो बाद में आपकी टाइल्स निकल के बाहर आ जाएगी। और इस टाइल्स को फिटिंग जीरो चिपिंग के साथ किया गया है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है इसका लुक, देख सकते हैं। ऐसे फिटिंग होनी चाहिए बाथरूम की टाइल्स वाल। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप पूरा देख के कमेंट ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। नमस्कार।